हेलो एंड वेलकम टू थर्ड लेक्चर ऑफ आई एस टॉपर्स एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी वीडियो सीरीज। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में। तो इकोनॉमिक सर्वे 2019 एंड 20 के तहत ग्रीन इंडिया मिशन को टोटल 343 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है। तो ये मिशन के बारे में बात करें तो ये मिशन नेशनल एक्शन प्लान ऑफ ऑन क्लाइमेट चेंज के जो 8 मिशन है वो 8 मिशन में से एक है। ये मिशन को फेब्रुआरी 2014 में लॉन्च किया गया था। ये मिशन को 60,000 करोड़ के फाइनेंशियल आउटले के साथ 10 साल के लिए प्रपोज किया गया है। इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो ये मिशन के तहत भारत में फॉरेस्ट एंड ट्रीज को और 5 मिलियन हेक्टर्स में ग्रो किया जाएगा। करंटली भारत का जो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है वो 80.73 मिलियन हेक्टर्स है, जो कि भारत के टोटल जियोग्राफिक एरिया का लगभग 24.5% जितना एरिया है। साथ ही साथ ये मिशन के तहत जो भी करंटली 5 मिलियन हेक्टर में फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड हाइड्रोलॉजिकल सर्विसेज जैसी इकोसिस्टम सर्विसेज को इम्प्रूव करना, प्रोविजनिंग सर्विसेज जैसे कि फ्यूल, फोडर, टिम्बर एंड नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस को इम्प्रूव करना, और वेटलैंड्स, शिफ्टिंग कल्टिवेशन, कोल्ड डेजर्ट, मैंग्रोव, रेवाइंस, ये सब के इको रिस्टोरेशन के ऊपर फोकस करना। तो अब बात करते हैं इंडियन रेलवेज का सबसे पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के बारे में। तो रिसेंटली ईस्ट कोस्ट रेलवेज ने इंडियन रेलवेज सेक्टर में सबसे पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को कमीशन किया है। ये प्लांट के बारे में जाने तो ये प्लांट पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी को यूज करता है और ऐसा प्लांट इंडियन रेलवे में पहली बार कमीशन किया गया है और पूरे भारत में ये ऐसा चौथा प्लांट है। ये प्लांट में अलग अलग फीड्स जैसे कि प्लास्टिक है, पेट्रोलियम स्लज है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, तो ऐसे अलग अलग टाइप के इनपुट्स फीड किए जा सकते हैं और ये प्लांट से हाइड्रोकार्बन, लिक्विड फ्यूल्स, गैस, कार्बन एंड वाटर मिलता है। ये प्लांट के एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो ये प्लांट का जो इनपुट मटेरियल है उसका रीसेग्रीगेशन की जरूरत नहीं है, यानी कि अलग अलग फीड मटेरियल जैसे कि ई वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, उनको सेग्रीगेट करने की जरूरत नहीं है और जो फीड मटेरियल है उसके ड्राइंग की भी जरूरत नहीं है, और जो भी फीड मटेरियल है उसका बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही फीड मटेरियल आता है उसको तुरंत ही ये प्लांट में ट्रीट किया जाता है। ये एक जीरो डिस्चार्ज प्रोसेस है, यानी कि जितना भी फीड मटेरियल ये प्लांट में एंटर किया जाता है वो सब वैल्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसके लिए ये एक जीरो डिस्चार्ज प्रोसेस है। ये प्लांट के आउटपुट में जो भी गैस जनरेट होता है उसको रीयूज किया जाता है हीटिंग के लिए, तो ये एक कह सकते हैं कि सेल्फ सस्टेनिंग प्रोसेस है और इससे जो प्लांट का जो रनिंग कॉस्ट है वो भी कम होगा और साथ ही साथ इसमें एटमॉस्फेरिक एमिशन भी नहीं होता। तो अब बात करते हैं ये पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी क्या है। पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी वर्ल्ड की सबसे पहली पेटेंटेड हिट्रोजेनियस कैटालिटिक प्रोसेस है। हिट्रोजेनियस कैटालिटिक प्रोसेस यानी कि कोई भी केमिकल प्रोसेस में जो रिएक्टेंट्स है, यानी कि जो भी फीड मटेरियल है और जो कैटालिस्ट है, कैटालिस्ट का काम कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको स्पीड अप करना है। तो जो फीड मटेरियल है एंड कैटालिक मटेरियल का फेज अगर अलग अलग है, यानी कि फीड मटेरियल सॉलिड फेज में है और जो कैटालिस्ट है वो गैस फेज में है, तो ऐसी प्रोसेस को हिट्रोजेनियस कैटालिटिक प्रोसेस कहते हैं। और अगर फीड एंड कैटालिस्ट के जो फेज है वो दोनों सेम है, वैसी प्रोसेस को होमोजेनियस कैटालिटिक प्रोसेस कहते हैं। ये टेक्नोलॉजी के तहत जैसे ही फीड मटेरियल ये प्लांट में एंटर होता है, विद इन 24 आवर्स वो हाइड्रोकार्बन, लिक्विड फ्यूल्स, गैस, कार्बन एंड पानी में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रोसेस में अलग अलग केमिकल रिफाइनिंग प्रोसेस जैसे कि डीपोलीमराइजेशन, क्रैकिंग, रिफॉर्मिंग जैसी अलग अलग केमिकल प्रोसेस होती है, और साथ ही साथ ये प्लांट में से जो भी वेस्ट क्रिएट होता है वो वेस्ट को भी रिसाइकल किया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी का एकमात्र ड्रॉबैक ये है कि ऐसे प्लांट को इरेक्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एरिया चाहिए। तो अब बात करते हैं मिनरल एक्रीशन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने गुजरात के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर बायोरॉक टेक्नोलॉजी का यूज करके कोरल रिफ्स को रिस्टोर करने का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। सबसे पहले कोरल का सिग्निफिकेंस समझते हैं। तो कोरल्स जो होते हैं वो सी इकोसिस्टम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो कोरल्स होते हैं वो सी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को मेंटेन करते हैं और साथ ही साथ सी लाइफ के लिए हैबिटेट भी प्रोवाइड करते हैं। ये जो कोरल्स होते हैं वो पॉलिप्स ऑर्गेनिज्म से बने होते हैं। पॉलिप्स होते हैं वो अपने स्केलेटन को कोरल्स के ऊपर फॉर्म करते हैं।
ये जो उनका स्केलेटन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, यानी कि CaCO3। तो जो कोरल्स होते हैं उनके ऊपर पॉलिप्स के स्केलेटन का एक लेयर क्रिएट हो जाता है। ये लेयर का सिग्निफिकेंस ये है कि जो प्रेडेटर्स होते हैं उसके सामने प्रोटेक्शन देने के लिए ये लेयर पॉलिप्स क्रिएट करता है, और साथ ही साथ ये लेयर के ऊपर दूसरे पॉलिप्स भी क्रिएट हो सकते हैं। तो इसके लिए जो ये कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर है वो कोरल्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो CaCO3 का लेयर्स है वो पूरे सिस्टम को कोरल रीफ्स कहते हैं। हालांकि ह्यूमन एक्टिविटीज एंड मरीन पॉल्यूशन से कोरल रीफ से उसको काफी खतरा हो सकता है। इसके लिए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने गुजरात के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ऐसे CaCO3 को आर्टिफिशियली क्रिएट करने की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना शुरू किया है। बायोरॉक टेक्नोलॉजी में सी के अंदर एनोड एंड कैथोड यानी कि इलेक्ट्रोड्स को इंसर्ट किया जाता है, और उसके बाद इलेक्ट्रोड्स के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि सी के अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो ऑटोमेटिक क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये क्रिस्टल्स एक साथ मिलकर कोरल्स के ऊपर CaCO3 का लेयर बना देते हैं। तो वो एग्जैक्टली जो पॉलिप्स अपने स्केलेटन के थ्रू जो लेयर बनाती है वही सेम लेयर ये आर्टिफिशियल मेथड द्वारा कोरल्स के ऊपर डिपॉजिट किया जा सकता है। तो इससे कोरल्स का कंजर्वेशन होगा और साथ ही साथ उनका सस्टेनेबल मैनेजमेंट भी हो सकता है। अब बात करते हैं रामसार कन्वेक्शन के बारे में। तो रिसेंटली रामसार कन्वेक्शन में भारत के 10 वेटलैंड साइट को ऐड किया गया है। भारत में ये 10 साइट को ऐड करने से पहले टोटल 27 रामसार वेटलैंड साइट्स थी, हालांकि अभी टोटल वो 37 साइट हो चुकी है। तो ये 10 साइट्स में इंक्लूड है उत्तर प्रदेश के नवाबगंज, पार्वती आगरा, समन, समासपुर, सांडी एंड सरसाई नवार, पंजाब के केशवपुर मियानी बीस कंजर्वेशन रिजर्व एंड नंगाल, और महाराष्ट्र के नंदूर माधेश्वरा वेटलैंड। ये वेटलैंड महाराष्ट्र की ऐसी फर्स्ट वेटलैंड साइट है जो कि रामसार साइट का स्टेटस दिया गया है। रामसार कन्वेक्शन के बारे में बात करें तो ये कन्वेक्शन को 1971 में ईरान के रामसार सिटी में साइन किया गया था। ये कन्वेक्शन को 1975 से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। रामसार एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जो कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए वेटलैंड्स के इंटरनेशनल नेटवर्क को मेंटेन एंड डेवलप करके उसके सस्टेनेबल मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करता है। वर्ल्ड की सबसे पहली रामसार साइट कोबर्ग पेनिनसुला है जो कि ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है, और भारत ने ये कन्वेंशन को 1982 में साइन किया था। तो अब बात करते हैं हुबली अंकोला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के बारे में। कर्नाटका बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ बोर्ड मेंबर्स ने एक प्रपोज्ड रेल प्रोजेक्ट की जो काली टाइगर रिजर्व में से पास होता है उनके कंस्ट्रक्शन को अपोज किया है। इसका मेन रीजन ये है कि ये रेल प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए काली टाइगर रिजर्व के कई सारे ट्रीज को काटना पड़ेगा। काली टाइगर रिजर्व के बारे में बात करें तो ये कर्नाटका के उत्तर कनाडा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये रिजर्व में मेनली दो प्रोटेक्टेड एरियाज है, डांडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड अंशी नेशनल पार्क। ये रिजर्व में मोस्ट डेसिडियस एंड सेमी एवरग्रीन फ्लोरास मेनली पाए जाते हैं, और एनिमल्स की बात करें तो ये रिजर्व में टाइगर, लेपर्ड, एलिफेंट, बीसन जैसे एनिमल्स पाए जाते हैं। तो अब बात करते हैं ग्रीन क्रेडिट स्कीम के बारे में। रिसेंटली फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी ने ग्रीन क्रेडिट स्कीम को अप्रूव किया है। तो ये स्कीम को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि जब ये स्कीम नहीं थी तो उससे पहले का क्या सिनारियो था। तो फॉर एग्जांपल कोई भी बिजनेस एंटिटी को कोई भी फॉरेस्ट लैंड में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना हो तो सबसे पहले ऐसे बिजनेस को स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ता है, और जितना भी ये फॉरेस्ट लैंड का टोटल एरिया है उतना ही सेम ये बिजनेस को कोई भी नॉन फॉरेस्ट एरिया फाइंड करके फॉरेस्ट स्टेट डिपार्टमेंट को देना पड़ता है। और साथ ही साथ ये फॉरेस्ट लैंड का जो भी नेट प्रेजेंट वैल्यू है यानी कि ये फॉरेस्ट लैंड की जो भी फाइनेंशियल वैल्यू है वो भी ये बिजनेस को स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देना पड़ता है। और यहाँ पे स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी बिजनेस ने ये नॉन फॉरेस्ट एरिया स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दिया है उसमें ट्रीज एंड श्रब्स को ग्रो करके ऐसे एरिया को फॉरेस्ट में कन्वर्ट करना। तो इसमें मेनली दो प्रॉब्लम्स आ रही थी कि जो बिजनेसेस है उनको नॉन फॉरेस्ट एरिया ढूंढने में काफ़ी टाइम लगता था, और साथ ही साथ जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो नॉन फॉरेस्ट एरिया में फॉरेस्ट को क्रिएट करने में काफ़ी टाइम लगा रहे थे। पिछले 10 सालों में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट को टोटल 50,000 करोड़ रुपीस दिए हैं नॉन फॉरेस्ट एरिया में फॉरेस्ट को ग्रो करने के लिए, हालांकि 50,000 करोड़ अभी तक ऐसे ही पड़े हैं। तो ये दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये ग्रीन क्रेडिट स्कीम को लॉन्च किया गया है। अब ये समझते हैं कि ये जो स्कीम है वो स्कीम ये दो प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करती है। कोई भी एजेंसीज जैसे कि कोई भी प्राइवेट एजेंसीज या तो विलेज फॉरेस्ट कम्युनिटीज़, ये स्टेट गवर्नमेंट को ये कह सकते हैं कि इनके पास
कोई नॉन फॉरेस्ट एरिया है और वो नॉन फॉरेस्ट एरिया में वो फॉरेस्ट को क्रिएट करना चाहते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ये एजेंसीज को नॉन फॉरेस्ट लैंड में फॉरेस्ट ग्रो करने के लिए परमिशन देती है। अब 3 साल बाद स्टेट गवर्नमेंट आके चेक करती है कि ये एजेंसी ने जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया को फुलफिल करके अच्छी तरह से फॉरेस्ट को क्रिएट किया है कि नहीं, वो चेक करते हैं। अब कोई भी बिजनेस एंटिटी को कोई भी फॉरेस्ट लैंड में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज को कैरी आउट करना है, तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि उनको नॉन फॉरेस्ट लैंड स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देना पड़ता है, तो अब ये बिजनेस एंटिटी क्या करेगी, ये एजेंसी ने तो पहले से ही नॉन फॉरेस्ट एरिया में फॉरेस्ट को बना के रखा है, तो ये बिजनेस एंटिटी ये एजेंसी के पास से ये फॉरेस्ट को खरीदेगी और ये सीधा स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर देगी। तो इससे क्या होगा कि ये जो बिजनेसेस है उनको नॉन फॉरेस्ट लैंड को फाइन करने में जो टाइम लगता था वो अब टाइम नहीं जाएगा, और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट को नॉन फॉरेस्ट लैंड में फॉरेस्ट को क्रिएट करने में जो टाइम लगता था वो भी टाइम अब नहीं लगेगा। तो ये स्कीम एक साथ दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। रिसेंटली इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज ने 3 अलग अलग सर्विसेज को लॉन्च किया है। सबसे पहला है स्मॉल वेसल एडवाइजरी एंड फॉरेस्ट सर्विसेज सिस्टम। ये सिस्टम में इंडियन कोस्टल वाटर्स में जो स्मॉल वेसल्स है उनके लिए फोरकास्ट सर्विस सिस्टम प्रोवाइड करती है। इसमें जो भी वेसल्स के ओनर्स है उनको ऐसे पोटेंशियल एरिया के बारे में बताया जाता है कि जहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाटर करंट की वजह से जो उनकी वेसल्स है वो ओवरटर्न भी हो सकती है। ये सिस्टम बोट सेफ्टी इंडेक्स के ऊपर आधारित है। ये इंडेक्स में अलग अलग फैक्टर्स जैसे कि सी वेव की स्पीड, हाइट और विंड डायरेक्शन जैसे फैक्टर्स को काउंट किया जाता है। दूसरी सिस्टम है स्वेल सर्ज फोरकास्ट सिस्टम। ये सिस्टम इंडियन कोस्ट में स्वेल सर्ज के इवेंट को प्रेडिक्ट करता है। ये स्वेल सर्ज को केरला में काला कद्दल के नाम से भी जाना जाता है। केरला के फिशरमैन ने ऐसी फ्लडिंग इवेंट्स जो कि कोई भी नोटिसेबल एडवांस चेंजेस के बिना ही अकर होती है, वैसी इवेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए केरला फिशरमैन ने ये टर्म को इन्वेंट किया था, और 2012 में यूनेस्को ने साइंटिफिक यूज के लिए ये टर्म को अप्रूवल दिया था। ऐसा माना जा रहा है कि ये जो फ्लैश फ्लड इवेंट्स है वो सदर्न ओशन यानी कि एंटार्कटिक ओशन में वेदर चेंजेस की वजह से होते हैं। तीसरी सर्विस है अलगल ब्लूम इन्फॉर्मेशन सर्विस। अल्गल ब्लूम का सिंपल मतलब होता है रैपिड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ अल्गा इन एक्वेटिक सिस्टम। कोई भी लेक या तो पॉन्ड में कोई भी रीजन की वजह से, जैसे कि मान लो कि कोई भी लेक या तो पॉन्ड में लैंड रन ऑफ वाटर की एंट्री से मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स भी इंक्रीज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से अल्गल ब्लूम हो सकता है। तो ये सर्विसेज मेनली हार्मफुल अल्गल ब्लूम्स के ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ये जो हार्मफुल अल्गल ब्लूम्स होते हैं वो एक्सट्रीमली डेंजरस टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं और साथ ही साथ पानी में डेड जोन का भी क्रिएशन करते हैं। डेड जोन के बारे में मैंने पहली स्लाइड्स में बताया है। ये सिस्टम मेनली 4 एरिया में, नॉर्थ ईस्टर्न अरेबियन सी, कोस्टल वाटर्स ऑफ केरला, गल्फ ऑफ मन्नार एंड कोस्टल वाटर ऑफ गोपालपुर में ऐसी हार्मफुल अल्गल ब्लूम के ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के बारे में। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। ये सेंटर को 1999 में हैदराबाद में एस्टेब्लिश किया गया था और ये अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन का एक यूनिट है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ओशन से रिलेटेड जितनी भी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है, ओशन में जो भी वेदर फिनोमिनस क्रिएट होते हैं उसके ऊपर एडवाइजरी सर्विसेज को ये सेंटर प्रोवाइड करता है। ये सेंटर को इंटरनेशनल ओशनोग्राफिक डेटा एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत नेशनल ओशनोग्राफिक डेटा सेंटर का स्टेटस दिया गया है। ये जो प्रोग्राम है वो यूनेस्को के इंटरनेशनल ओशनोग्राफिक कमीशन का प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ओशनोग्राफिक डेटा को शेयर करके मरीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना है, और साथ ही साथ ये सेंटर इंडियन ओशन ग्लोबल ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रोग्राम का फाउंडिंग मेंबर भी है। रिसेंटली गुजरात के गांधीनगर में 13th COP ऑफ कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स को हेल्ड किया गया था। ये COP में ये डिसाइड हुआ था कि अगले 3 सालों तक भारत ये कन्वेंशन के COP की प्रेसिडेंसी को संभालेगा। ये COP की थीम थी माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट प्लैनेट, और इसका जो मास्कोट था वो था ग्रेट इंडियन बस्टार्ड। ये बर्ड स्पीसीज का IUCN स्टेटस है क्रिटिकली अनडेंजर्ड, और उसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में लिस्ट किया गया है। तो अब बात करते हैं माइग्रेटरी स्पीसीज क्या होती है। तो ऐसी एनिमल स्पीसीज जो कि साल के अलग अलग टाइम पीरियड में एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में माइग्रेट करती है। ये माइग्रेशन अलग अलग रीजन से हो सकता है, जैसे कि फूड की अवेलेबिलिटी एंड क्लाइमेट कंडीशन में चेंजेस आना, या तो ब्रीडिंग के लिए ये एनिमल्स माइग्रेट करते हैं। भारत में से कई सारी माइग्रेटरी स्पीसीज हर साल पास होते हैं, और भारत जो है वो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का पार्ट है जिसमें कि
हर साल 180 से भी ज़्यादा माइग्रेटरी वाटर बर्ड स्पीसीज पास होती है। टोटल ऐसे 8 अलग अलग बर्ड फ्लाईवेज है और जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब बात करते हैं कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज यानी कि CMS कन्वेंशन के बारे में। ये यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की एक एनवायरमेंटल ट्रीटी है। ये ट्रीटी का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि माइग्रेटरी एनिमल्स एंड उनकी हैबिटेट्स का कंजर्वेशन करने के लिए एक इंटरनेशनल फाउंडेशन प्रोवाइड करना। ये कन्वेंशन को बॉन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। ये कन्वेंशन में करंटली 130 पार्टी है। भारत ने ये कन्वेंशन को 1983 में साइन किया था। भारत ने CMS के नीचे अलग अलग स्पीसीज जैसे कि साइबेरियन क्रेन्स, मरीन टर्टल्स, डंगोंग्स एंड रैप्टर्स के कंजर्वेशन के लिए नॉन लीगली बाइंडिंग MOUs भी साइन किए हैं। अब बात करते हैं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोस्टल रेगुलेशन जोन रूल्स में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया है। इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो जुलाई 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए टोटल 13 पोटेंशियल बीचेस को आइडेंटिफाई किया था। हालांकि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का स्टेटस लेने के लिए कोई भी बीचेस में अलग अलग फैसिलिटीज जैसे कि पोर्टेबल टॉयलेट है, सोलर पावर प्लांट है, CCTV सर्वेलेंस वैसा होना जरूरी है। हालांकि भारत के कोस्टल रेगुलेशन जोन के तहत कोई भी आइलैंड या तो बीचेस पे कोई भी प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज नहीं की जा सकती, तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने फरवरी 2020 में कोस्टल रेगुलेशन जोन के रूल्स में चेंजेस किया था। हालांकि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हाई टाइड लाइन से एटलीस्ट 10 मीटर दूर होने चाहिए। हाई टाइड लाइन यानी कि जब भी ओशन में स्प्रिंग टाइड आती है तो वो स्प्रिंग टाइड मैक्सिमम लैंड में जहां तक पहुंचती है वो लाइन को हाई टाइड लाइन कहते हैं। अब ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में बात करें तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है जो कि ऐसे बीचेस को दिया जाता है जो कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज जो कि क्लीनलीनेस एंड एनवायरमेंटल प्रायोरिटी के ऊपर फोकस करते हैं उनको अगर सेटिस्फाई करते हैं तो ऐसे बीचेस को ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है। ये प्रोग्राम को सबसे पहले फ्रांस में 1985 में शुरू किया गया था, फिर उसके बाद पूरे यूरोप में 1987 में ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था और 2001 से ये पूरे वर्ल्ड में कैरी आउट किया जाता है। ये सर्टिफिकेशन को हासिल करने के लिए टोटल 33 क्राइटेरिया है जिसको 4 अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया गया है। वो है एनवायरमेंटल एजुकेशन, बाथिंग वाटर क्वालिटी, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड सेफ्टी एंड सर्विसेज इन द बीचेस। तो अगर कोई भी बीच ये 33 क्राइटेरियाज को फुलफिल करता है तो ऐसे बीचेस को फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन जो कि एक डेनमार्क बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है। तो साउथ एंड साउथ ईस्टर्न एशिया में सिर्फ जापान एंड साउथ कोरिया के पास ही ऐसे ब्लू फ्लैग बीचेस है और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ऐसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन वाले बीचेस स्पेन में है। हालांकि भारत में अभी तक कोई भी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन वाला बीच नहीं है। तो अब बात करते हैं मैपरल कन्वेंशन के बारे में। रिसेंटली एक रिसर्च के मुताबिक इंटरनेशनल शिप्स में ओपन लूप स्क्रबर्स का यूज़ काफ़ी बढ़ चुका है। तो पहले समझते हैं कि स्क्रबर्स क्या होते हैं। तो जो भी एग्जॉस्ट गैसेस होते हैं उसमें जो भी सल्फर डाइऑक्साइड होता है या तो नाइट्रस ऑक्साइड जैसे हार्मफुल गैसेस होते हैं उनको रिमूव करने के लिए स्क्रबर्स का यूज होता है। स्क्रबर्स में मेनली जो एग्जॉस्ट गैसेस होते हैं उनको नीचे से एंटर किया जाता है और ऊपर से सोल्यूबल लिक्विड को एंटर किया जाता है। तो जब गैस और लिक्विड दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं तब ये जो गैस है जैसे कि ये लिक्विड में मिक्स हो जाता है और जो लिक्विड स्क्रबर में से बाहर आता है उसको डायरेक्ट अगर ओशन में डंप किया जाए तो ऐसे पूरी सिस्टम को ओपन लूप स्क्रबर कहते हैं। और अगर ये लिक्विड को कोई एक सेफ स्टोरेज टैंक में स्टोर किया जाए तो उसको क्लोज्ड स्क्रबर कहते हैं। मैप्रोल स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी इंटरनेशनल शिपिंग से एयर पॉल्यूटन का जो एमिशन है उसको रेगुलेट करना। ये कन्वेंशन को इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट किया था। ये इंटरनेशनल शिपिंग में एयर पॉल्यूटन के रेगुलेशन के साथ साथ सल्फर ऑक्साइड्स एंड नाइट्रस ऑक्साइड्स जो कि ओजोन डेप्लेटिंग सब्सटेंस है उनके एमिशंस के ऊपर भी रोक लगाता है। अब बात करते हैं नालाबाना बर्ड सेंचुरी के बारे में। ये बर्ड सेंचुरी ओडिशा के चिल्का लगुन एरिया में नालाबाना आइलैंड में लोकेटेड है। नालाबाना आइलैंड चिल्का लगुन एरिया का एक कोर एरिया है तो इसकी वजह से 1987 में ये पूरे आइलैंड को ही बर्ड सेंचुरी घोषित किया गया था। ये आइलैंड मॉनसून सीजन में डिसअपियर हो जाता है क्योंकि वहां पे पूरा पानी भर जाता है और पोस्ट मॉनसून सीजन में ये आइलैंड फिर से दिखाई देता है। ये आइलैंड में कई इंपॉर्टेंट माइग्रेटरी बर्ड्स जैसे कि बार हेडेड गीस, ग्रेटर फ्लेमिंगोस, ग्रेट नॉट ये सब बर्ड्स चिल्का लगुन एरिया के
नालाबाना एंड मंगला जोड़ी प्लेसेस पे देखे जाते हैं। और रिसेंटली ग्रेट नॉर्थ बट को 5 साल बाद ये सेंचुरी में देखा गया है। अब बात करते हैं चिल्का लेक के बारे में। ये एक ब्रैकिश वाटर लगून है जो कि उड़ीसा की दया रिवर के माउथ पे लोकेटेड है। ये एशिया का सबसे बड़ा और वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट लगून है। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट लगून न्यू कैलेडोनियन बैरियर रीफ है जो कि न्यू कैलेडोनिया में लोकेटेड है। न्यू कैलेडोनिया एक फ्रेंच टेरिटरी है। ये लेक इंडियन सब कॉन्टिनेंट का माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए सबसे बड़ा विंटरिंग ग्राउंड है, यानी कि अलग अलग प्लेसेस में से बर्ड्स विंटर के सीजन में यहाँ पे आते हैं। और 1981 में चिल्का लेक रामसार कन्वेक्शन के अंडर भारत का सबसे पहला वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस साइट घोषित किया गया था। यहाँ पे चिल्का लेक में इरावाड़ी डॉल्फिन्स पाई जाती है। ये मेनली जो डॉल्फिन्स की मेन चार फ्रेश वाटर स्पीसीज है वो चार स्पीसीज में से ये एक है। अब बात करते हैं बुरहीत दिहंग रिवर के बारे में। तो रिसेंटली एक अंडर वाटर क्रूड ऑयल पाइपलाइन के फटने से बुरहीत दिहंग रिवर में फायर लगी थी। ये रिवर ब्रह्मपुत्रा की ट्राइब्यूटरी है। ये अरुणाचल प्रदेश में से शुरू होती है और फिर आसाम में से पास होके दिहिंग मुख के पास रिवर ब्रह्मपुत्रा के साथ मर्ज हो जाती है। ये रिवर ने कई सारे ऑक्सबो लेक्स भी क्रिएट किए हैं। तो जब भी कोई भी रिवर फ्लैट प्लेन में एंटर होती है तो वो कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स लेती है। तो ये जो बैंड्स बनते हैं उससे उसको मिंडर्स कहते हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये मिंडर्स के एजिस पे कंटिन्यूस एरोजन एंड डिपोजिशन की वजह से ये जो मिंडर्स की इनर बाउंड्री है वो धीरे धीरे वीक होने लगती है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि ये डिपोजिशन जो मेन रिवर है उसे पूरा कट हो जाता है और फिर ऑक्सबो लेक को क्रिएट करता है। ऑक्सबो लेक की एक खासियत ये है कि यहाँ पे कोई भी वाटर एंटर नहीं कर सकता और एग्जिट भी नहीं कर सकता। अब बात करते हैं बॉस्फोरस स्ट्रेट के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्ट्रेट क्या होता है। स्ट्रेट एक नैरो वाटर पैसेज होता है जो कि दो सीज या तो दो बड़े वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। तो ये जो स्ट्रेट है वो ब्लैक सी को सी ऑफ मार्मरा के साथ कनेक्ट करता है। ये स्ट्रेट को स्ट्रेट ऑफ इस्तांबुल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये टर्की में लोकेटेड है। और ये स्ट्रेट यूरोपियन टर्की एंड एशियन टर्की के बीच कंटिनेंटल बाउंड्री फॉर्म करता है। ये वर्ल्ड का सबसे नैरोएस्ट स्ट्रेट है जो कि इंटरनेशनल नेविगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। सेकंड स्ट्रेट है डार्डानेल्स स्ट्रेट। ये स्ट्रेट सी ऑफ मार्मरा को एजियन सी के साथ कनेक्ट करता है और फिर आगे जाके नीचे मेडिटेरियन सी के साथ कनेक्ट करता है। ये जो दो स्ट्रेट है बॉस्फोरस स्ट्रेट एंड डार्डानेल्स स्ट्रेट वो दोनों मिलकर टर्किश स्ट्रेट को क्रिएट करते हैं। अब बात करते हैं मियावाकी मेथड ऑफ अफोरेस्टेशन के बारे में। तो ये मेथड को जापानीज बॉटनिस्ट अकिरा मियावाकी ने डेवलप किया था। ये एक अर्बन फॉरेस्टरी की मेथड है, यानी कि जहाँ पे फॉरेस्ट को या तो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए काफ़ी स्पेस नहीं है वहाँ पे ट्रीज को प्लांट करने के लिए ये मेथड को यूज़ किया जाता है। तो मेनली इसमें बहुत ही छोटे एरिया में बहुत सारे ट्रीज को प्लांट किया जाता है। उससे तीन फायदे होते हैं। सबसे पहला है कि स्पेस बचती है, यानी कि बहुत ही छोटे एरिया में बहुत सारे ट्रीज को ग्रो किया जा सकता है। दूसरा है कि ये जो प्लांट्स है वो काफी स्पीडीली ग्रो होंगे। क्यों? क्योंकि बहुत ही छोटे एरिया में रिसोर्सेज की काफी कमी होगी, यानी कि जो सॉइल है ये टोटल एरिया की उसमें कुछ लिमिटेड अमाउंट में ही विटामिन एंड मिनरल्स होंगे। तो सभी प्लांट्स वो रिसोर्सेज को जल्दी से जल्दी एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, तो इसकी वजह से प्लांट का जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्पीडीली होगा। तीसरा है कि इसमें वीड का फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि बहुत ही छोटे एरिया में बहुत सारे प्लांट को कल्टीवेट किया जाता है। तो यहाँ पे सनलाइट का जमीन तक पहुँचना काफ़ी टफ है, तो इसकी वजह से वीड यानी कि अनवांटेड प्लांट्स का ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है। हालांकि इसमें कुछ कंसर्न्स भी है, जैसे कि इसमें नेचुरल फॉरेस्ट्री की कुछ क्वालिटीज जैसे कि एबिलिटी टू ब्रिंग रेन एंड अलग अलग मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इसमें नहीं पाई जाती। और कुछ एनवायरमेंटलिस्ट ये कहते हैं कि ऐसी मेथड से एक्चुअल फॉरेस्ट को ग्रो नहीं किया जा सकता। ये बेसिकली एक स्मॉल स्केल फॉरेस्ट है कि जिसको रिक्रिएशनल एक्टिविटीज जैसे कि बर्ड वॉचिंग है, फ्लावर पार्क है, वो सब क्रिएट करने के लिए ऐसे फॉरेस्ट को यूज किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ कई एनवायरमेंटलिस्ट ने ये मेथड की एफिकेसी के ऊपर भी क्वेश्चन किया है कि इतनी जल्दी ये प्लांट्स को ग्रो करके फॉरेस्ट के कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम को रिक्रिएट नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं पॉल्यूशन इंडेक्स के बारे में। 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अलग अलग इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को क्लासिफाई करने के लिए पॉल्यूशन इंडेक्स को लॉन्च किया था। ये पॉल्यूशन इंडेक्स अलग अलग फैक्टर्स जैसे कि एयर एंड वाटर पॉल्यूटेंट्स एंड हैजार्डस वेस्ट जनरेशन जैसे फैक्टर्स को कंसिडर करता है। ये इंडेक्स के तहत कलर वाइज कैटेगरी को क्रिएट किया गया है। इसमें सबसे पहली कैटेगरी है रेड लिस्ट।
रेड लिस्ट में ऐसे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की जिसका पॉल्यूशन इंडेक्स स्कोर 60 या उससे ज्यादा हो। ये लिस्ट में जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स है वो कोई भी इकोलॉजिकल फ्रेजाइल एरिया या तो प्रोटेक्टेड एरिया में अपना काम नहीं कर सकते, हालांकि वो हैजार्डस केमिकल्स के स्टोरेज जैसी एक्टिविटीज कर सकते हैं। सेकेंड कैटेगरी है ऑरेंज लिस्ट। यहाँ पे ऐसे इंडस्ट्रियल सेक्टर की जिनका पॉल्यूशन इंडेक्स स्कोर 41 से लेकर 59 के बीच में हो। ये सेक्टर्स कोल वॉशरीज एक्टिविटीज, फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज जैसी एक्टिविटीज को कैरी आउट कर सकते हैं। फिर है ग्रीन लिस्ट। इसमें ऐसे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की जिसका पॉल्यूशन इंडेक्स स्कोर 21 से लेकर 40 के बीच में हो। इसमें मेनली आयुर्वेदिक मेडिसिन, सीमेंट प्रोडक्ट्स एंड ऑयल एंड गैस ट्रांसपोर्टेशन पाइपलाइन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है वो ये लिस्ट के इंडस्ट्रियल सेक्टर्स कैरी आउट कर सकते हैं। और आखिरी है व्हाइट लिस्ट। ऐसे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की जिसका स्कोर 20 या उससे कम हो वो व्हाइट लिस्ट में इंक्लूड किए जाते हैं। और यहाँ पे कोई भी एक्टिविटीज को कैरी आउट करने में सेंट्रल या तो स्टेट गवर्नमेंट का एनवायरमेंटल क्लियरेंस की जरूरत नहीं है। ये एक्टिविटीज में इंक्लूड है प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, मेडिकल ऑक्सीजन एक्सेट्रा। ये इंडेक्स की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए इसको रिकेटेगराइज किया गया था कि जिसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर के जो अलग अलग पॉल्यूटेंट्स है उसको साइंटिफिकली असेस करने के ऊपर ज्यादा फोकस दिया गया था, और साथ ही साथ जहाँ पे भी पॉसिबल हो वहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर को उसके रॉ मटेरियल्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड पॉल्यूटेंट क्राइटेरिया के तहत अलग अलग सब सेक्टर्स में स्प्लिट किया गया था। तो अब बात करते हैं मंगा नारी के बारे में। सबसे पहले हम जालीकट्टू के बारे में समझते हैं। तो जालीकट्टू एक इवेंट है कि जिसको तमिलनाडु में पोंगल फेस्टिवल के दौरान परफॉर्म किया जाता है। जालीकट्टू एक तमिलनाडु वर्ड है जिसमें जाली का मीनिंग होता है गोल्ड या तो सिल्वर कॉइन्स, और कट्टू का मीनिंग होता है टाइड यानी कि बांधना। तो ये इवेंट में जो बुल है उसके हॉर्न्स के ऊपर एक कॉइन से भरी बैग बांधी जाती है जिसको पार्टिसिपेंट ये बुल को कंट्रोल करके ये बैग को पकड़ता है। तो यहाँ पे तमिलनाडु के सालेम डिस्ट्रिक्ट में जालीकट्टू जैसे ही इवेंट, हालांकि उसमें ये बुल की जगह पे बंगाल फॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये इवेंट को गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है क्योंकि इसमें बंगाल फॉक्स के पैर है वो बांध देते हैं और फिर उनको अलग अलग स्ट्रीट के बीच दौड़ाते हैं, तो ये एनिमल क्रुएलिटी है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बैन रखा है। ये इवेंट के पीछे मेन बिलीफ ये है कि इससे मॉनसून सीजन काफ़ी अच्छा होगा और उससे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो भी इंक्रीज होगा। बंगाल फॉक्स के बारे में बात करें तो इसको इंडियन फॉक्स के नाम से भी जाना जाता है जो कि इंडियन सब कंटिनेंट में पाया जाता है। इसका मेन फीचर ये है कि इसकी जो टेल है वहाँ पे ब्लैक कलर का एक शेडिंग होता है जो कि इसके टोटल बॉडी लेंथ का लगभग 20-40% जितना पार्ट कवर करता है। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 2 में लिस्ट है और इसका IUCN स्टेटस लिस्ट कंसर्न है। रिसेंटली कनाडा के मिगुआशा नेशनल पार्क में एक एशियंट फॉसिल के ऊपर स्टडी करते हुए ये मालूम पड़ा है कि जो फिश के फिन्स है उनका एनिमल्स के लेग में ट्रांजिशन लेट डेवोनियन पीरियड में हुआ था। डेवोनियन पीरियड के बारे में बात करें तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के कंटेक्स्ट में ये पैलोजोइक अरा का एक टाइम इंटरवल है। ये टाइम पीरियड अर्थ पे करीब करीब 420 मिलियन ईयर से लेकर 359 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था। ये पीरियड के फीचर्स के बारे में बात करें तो ये पीरियड के दौरान अर्थ पे सबसे पहले ड्राई लैंड पे ऑर्गेनिजम्स जो है वो अलग अलग सब स्पीशीज में डिवाइड हुए थे। प्लांट्स भी ड्राई लैंड में स्प्रेड होने शुरू हो गए थे। ये पीरियड जब खत्म हुआ तब फर्स्ट सीड बियरिंग प्लांट्स अपीयर हुए थे और साथ ही साथ अलग अलग टेरेस्टेरियल आर्थ्रोपॉड्स भी ये पीरियड में क्रिएट हुए थे। ये पीरियड में फिश की क्वांटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा थी, तो इसके लिए ये पीरियड को एज ऑफ फिशिश के नाम से भी जाना जाता है। तो अब बात करते हैं पक्के टाइगर रिजर्व के बारे में। रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने पक्के टाइगर रिजर्व में से एक प्रपोज 40 किलोमीटर के रोड के सर्वे वर्क को सस्पेंड कर दिया है क्योंकि ये रोड को कंस्ट्रक्ट करने में कई सारे ट्रीज को काटना पड़ सकता है। ये टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और ये ईस्टर्न हिमालय बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का एक पार्ट है। भारत में टोटल 4 अलग अलग मेन बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है जो कि है हिमालयन हॉटस्पॉट, वेस्टर्न घाट्स, इंडो बुर्मा रीजन एंड सुंदरलैंड। इसके वेस्ट एंड नॉर्थ डायरेक्शन में कामेंग रिवर है और ईस्ट में पक्के रिवर है। इसके साउथ में आसाम की नामेरी नेशनल पार्क है और ये टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल की स्पीसीज भी देखी जाती है। हॉर्नबिल के बारे में बात करें तो हॉर्नबिल मेनली ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल अफ्रीका, एशिया एंड ओशनिया रीजन में पाया जाता है। इसके एक यूनिक फीचर ये है कि इसकी लॉन्ग कर्व्ड बिल होती है जिसका कलर डार्क येलो होता है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं।
भारत में ये हॉर्नबिल की टोटल 9 अलग अलग स्पीसीज है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट में ये हॉर्नबिल की सबसे हाईएस्ट डाइवर्सिटी पाई जाती है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में टोटल 5 हॉर्नबिल की स्पीसीज पाई जाती है, जिसमें की पहली 3 रेड हॉर्नबिल, ब्राउन हॉर्नबिल एंड रिफ्यूस नेक हॉर्नबिल ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ही पाई जाती है, और बाकी की जो 2 है ग्रेट हॉर्नबिल एंड ओरिएंटल पाइप हॉर्नबिल वो भारत के अलग अलग रीजन में भी पाए जाते हैं। ग्रेट हॉर्नबिल के बारे में बात करें तो ये भारत के 9 हॉर्नबिल स्पीसीज में से सबसे बड़ा है। ये अरुणाचल प्रदेश एंड केरला का स्टेट बर्ड है। इसका IUCN स्टेटस वनरेबल है और हॉर्नबिल फेस्टिवल को एन्युअली नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। अब बात करते हैं रिहेबिलेशन सेंटर फॉर टर्टल्स के बारे में। तो रिसेंटली भारत का सबसे पहला टर्टल का रिहेबिलेशन सेंटर बिहार के भागलपुर फॉरेस्ट डिवीजन में इनॉग्रेट किया गया है। ये लोकेशन को इसलिए चुना गया है क्योंकि यहाँ पे रिवर गंगा का जो वाटर फ्लो है वो काफी ज्यादा है, तो वो फ्रेश वाटर टर्टल के ब्रीडिंग के लिए काफी आइडियल प्लेस है। टर्टल है वो रिवर इकोसिस्टम को मेंटेन करने में काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। फ्रेश वाटर टर्टल्स डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स को डिकम्पोज करते हैं और साथ ही साथ फिश एंड एक्वेटिक प्लांट्स की पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करते हैं। तो जहाँ पे भी फ्रेश वाटर टर्टल की पॉपुलेशन ज्यादा है वहाँ की एक्वेटिक इकोसिस्टम काफी हेल्दी है, ऐसा कह सकते हैं। फ्रेश वाटर टर्टल्स में जो सॉफ्ट शेल टर्टल्स होते हैं उनको स्पेसिफिकली उनके मीट के लिए किल किया जाता है, और जो हार्ड शेल टर्टल्स होते हैं उनको उनके हार्ड शेल के लिए, जिससे कई सारी प्रोडक्ट्स क्रिएट की जा सकती है, उसके लिए उनको इलीगली स्मगल किया जाता है। 2016 एंड 17 में वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने ऑपरेशन सेव कुर्मा चलाया था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि भारत में टर्टल का जितना भी इलीगल स्मगलिंग हो रहा है फॉरेन कंट्रीज में उनको रोकना है।